नमस्कार दोस्तों, मैं विलास सुरकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। खबरें मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में अमरपुर देवी मड़िया हनुमान जी एवं शनि मंदिर कीसलपुरी हनुमान जी नर्मदा मंदिर अमरपुर में पूजा अर्चना कर जनपद सदस्य पद के लिए क्षेत्र क्रमांक 2 से गुड्डू पत्रकार ने दाखिल किया नामांकन। कोरोना काल में निशुल्क सूखा राशन एवं लोगों को मास्क सैनिटाइजर वितरण किया, साथ ही लोगों की हर प्रकार से मदद करने में तत्पर युवा नेता ने दाखिल किया नामांकन। शनिवार 18 दिसंबर अमरपुर में जनपद चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के पहुंचने का दौर जारी है। इसी क्रम में शनिवार की दोपहर युवा नेता गुड्डू पत्रकार ने अमरपुर जनपद सदस्य के क्षेत्र क्रमांक 2 के लिए नामांकन भरा। जानकारी के अनुसार ये वही गुड्डू पत्रकार सहज सरल मिलनसार है, जिन्होंने कोरोना काल के 2 सालों में जब लोग घरों में थे तब ये सड़कों में उतरकर राशन सहित मास्क सैनिटाइजर के साथ हर संभव मदद किया, क्षेत्र विकास के लिए कृत संकल्पित किया। ऐसा कहना उनका, विकास और जनता जनार्दन के बीच अच्छे संबंध के दम पर निर्वाचित हो जनता की सेवा करने के लिए संकल्पित हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए डिंडोरी से नीरज रजक की रिपोर्ट। मैं कृष्ण कुमार मिश्रा, पूर्व में भी मैं जनपद सदस्य पद पर निर्वाचित हुआ था और अपने विकास कार्यों के दम पर मैंने पुनः क्षेत्र क्रमांक 2 से जनपद सदस्य पद के लिए नामांकन पर्चा आज दाखिल करने आया हूँ शुभ मुहूर्त में। और मेरा उद्देश्य है कि अपने विकास कार्यों के दम पर लोगों तक जाऊँगा और आगे भी जो भी लोगों की वही मध्य प्रदेश के मुरैना में मुठभेड़। गांव में घरेलू खाना खाने आए डकैत गुड्डा गुज्जर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। डकैत अंधेरे का लाभ उठाकर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने डकैत के साथीगणों सहित रसद देने वाले के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। मुरैना के लोहगढ़ गांव निवासी डकैत गुड्डा गुज्जर अपने साथियों के साथ नूराबाद थाना क्षेत्र के धोरावली गांव में खाना खाने के लिए आया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव में दबिश दी। पुलिस को देखते ही डकैत गुड्डा गुज्जर और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। पुलिस ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई। रात अधिक होने का फायदा उठाकर डकैत गुड्डा गुज्जर और उसके साथी मौके से फरार हुए। एक बार फिर पुलिस के हाथ निराशा लगी। डकैत गुड्डा गुज्जर पर 70,000 का इनाम है। डकैत गुड्डा गुज्जर मुरैना पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ। पुलिस ने नूराबाद थाने में डकैत गुड्डा गुज्जर और उसके साथियों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर अब पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस संयुक्त रूप से जंगलों में गुड्डा गुज्जर की तलाश कर रही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। इनामी फरारी बदमाश गुड्डा गुज्जर अपने कुछ साथियों के साथ में परसों नाइट में नूराबाद थाना क्षेत्र में उसकी लोकेशन मिली थी। उसका लोहगढ़ गांव उसके पास में ही एक जगह देखा गया था, तो उसमें सूचना पता चलने पर हमारी पार्टी जंगल में सर्चिंग करने हेतु निकली थी एडी टीम की, तो उसके साथ में चांस इनकाउंटर की बात भी आई थी। तो शॉर्ट इनकाउंटर में उसको उसकी तरफ से फायर हुआ, तो इधर से भी पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिए फायर किया और जैसे ही पुलिस पार्टी को उसने देखा तो वहाँ से अपना खाना वाना खा रहा था तो छोड़ के चला गया था। जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी को उसने गोली चला दी, जिस पर से एक अपराध थाना नूराबाद में पंजीबद्ध हुआ है और हमारी एडी टीम और हमारे जो थाना प्रभारी हैं निरंतर सर्चिंग कर रहे हैं उसकी। जंगल का और स्थानीय लोगों का कुछ सपोर्ट होने के कारण वो अदृश्य हो जाता है और उसके बाद जो है उसकी सूचना है जो है हम लोगों तक बाद में आती है, तब तक वो निकल जाता है। इस तरह की गतिविधियाँ विगत में रही हैं और पूर्व में भी जो है इसके साथ में चांस इनकाउंटर हुआ था तो अभी इसको गोली लगी थी। हम लोगों का निरंतर प्रयास है कि इसके ऊपर दबाव बना करके कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उकवा पानी टोला साईं मंदिर में हवन पूजन के साथ मेले का आयोजन। मायल नगरी उकवा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दत्तात्रेय जयंती के शुभ अवसर पर उकवा पानी टोला साईं मंदिर के प्रांगण में शनिवार को मेले का आयोजन रखा गया। साथ ही साईं मंदिर में हवन पूजन का भी कार्यक्रम रखा गया। भक्तों के द्वारा साईं मंदिर पहुंचकर अपनी अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए साईं बाबा के आराधना की गई। उसके पश्चात साईं भक्तों के द्वारा साईं प्रसाद एवं फुलवा वितरण किया गया। साईं मंदिर के पुजारी योगीराज रांगडाले ने बताया कि
22 वर्षों से साईं मंदिर बनाकर साईं प्रतिमा स्थापित की गई उसी समय से प्रतिवर्ष साईं भक्तों से उकवा क्षेत्र का भ्रमण कर दान लिया जाता है, जिससे यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल की प्रतिष्ठित संस्था ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल द्वारा शनिवार को कूसा भाव ठाकरे मिंटो हॉल में विशिष्ट सेवा सम्मान 2021 से सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री विश्वास सारंग, विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव श्री मनु श्रीवास्तव, खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद किदवई, कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस भोपाल श्री इरशाद वली, जिला पंचायत सीओ श्री विकास मिश्रा और संस्था के अध्यक्ष स्पर्श द्विवेदी मौजूद थे। कार्यक्रम में कोविड की दोनों लहरों में फील्ड में काम करने कोरोना योद्धाओं को भी सम्मानित किया गया। भोपाल से राजेश कुमार नागेश की रिपोर्ट। सीनियर रिपोर्टर दैनिक भास्कर, अगर आप देखते हैं आज सबसे अगर हम देखें तो सबको अवगत कराना कि आज भोपाल में क्या हो रहा है और किस तरह की चीजें हो रही है और लोगों तक कोविड की वो जानकारी देना कि लोग घर पे रहें, घर से निकलने की रिस्क ना ले, तो ऐसी स्टोरी बनाना ताकि लोगों में भय भी ना जाए लेकिन सच पहुंचे, तो वो कार्य किया है भीम सिंह मीणा जी ने, तो जोरदार किया है। प्रीति शर्मा जैन जी सीनियर रिपोर्टर हैं पीपल समाचार से, ऐसी स्टोरीज पब्लिश करना जिसमें लोग आगे आए और दूसरों की मदद कर सके, जैसे कि मैंने गोंद आर्टिस्ट के बारे में बताया जिनके पास उनकी पेंटिंग्स नहीं बिक रही थी, लोग पहुंच नहीं रहे थे कि उनकी पेंटिंग्स बिके, तो पिछले 4 दिन से वो परिवार भूखा था, उस परिवार की स्टोरी पब्लिश करना और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ पूरे सहयोग से उस परिवार की पेंटिंग्स बिकवाना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी स्टोरी के माध्यम से उस परिवार के पास उस सिर्फ पेंटिंग के माध्यम से 50 से 60 हजार रुपए की आमदनी, तो जोरदार तालियां। अब आते हैं हमारे फ्रंटलाइन रिपोर्टर।